नमस्कार दोस्तों, मैं देसी ट्रेवलर, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर से मैं पहुंच गया हूं बस्तर ट्राइबल होम स्टे में शकील सर के यहाँ। अभी वहां हम रात में रुके हुए थे और मॉर्निंग होते ही हम आ गए हैं रामदेव होटल। और यहां एक यूनिक चीज़ खाने के लिए मिलेगा, ये क्या है, बोबो खाएंगे। और मैं तो ऑलरेडी खा चुका हूँ, और कौशल भाई आप तो जानते ही उनको, और नहीं जानते तो कौशल गोस्वामी ब्लॉग्स आप सर्च करिए। फिलहाल हम बोबो खाते हैं और यहाँ का जो प्रोसेस है वो कौशल भाई डिटेल बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, कैसे बनाते हैं बोबो को। ये होटल का नाम रामदेव होटल नानगो। ये जो बन रहा है ये है बोबो, जिसको हिंदी में बड़ा बोलते हैं। उसमें उड़द का दाल और चावल, इसको एक रोज पहले भिगोया जाता है, फिर उसको पीस के फिर उसको रख दिए एक रात। अच्छा। फिर दूसरा दिन उसमें नमक, प्याज, धनिया, मिर्ची, इसका मिश्रण करके फिर उसको बनाया जाता है। अच्छा। फिर उसको रख दिए। ये एक दिन भिगाते हैं बता रहे थे आप? नहीं, दो चार घंटा। दो चार घंटा? हाँ, दो चार घंटा। फिर उसके बाद आप इसको निकाल लो ऐसा। हाँ। तो ये बड़ा जैसा ही है, ये क्रंची होता है थोड़ा। आपके यहाँ की चटनी बताएंगे, आइए ना इधर, चटनी के बारे में बताइए थोड़ा। ये जो चटनी है इसमें, ये चटनी का कुछ नाम है क्या, चना झोर क्या, चना? अच्छा, ये वाला। हाँ, ये चना झोर है। ये चना को फुलो दिए, काबुली चना को, काबुली चना। हाँ। या बटरा चना जो भी। अच्छा, दोनों प्रकार के चना बनते हैं? दोनों प्रकार के। हाँ। फिर इसको भिगो के फिर जैसे अपन बनाते हैं, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट हुआ, फिर गरम मसाला हुआ। अच्छा। प्याज है जी जी जी, ये सब के साथ उसको। इसमें ऑयलीपन ज्यादा दिख रहा है, रेडनेस ज्यादा है, लालपन ज्यादा है, तो ये क्या क्या डालते हो आप? ये रस इतना ज्यादा, मतलब झोर जो हो रहे हैं। हाँ। ये रस इतना ज्यादा, ये क्या है? मिर्ची है, मिर्ची। अच्छा, मसाला मिर्ची को ज्यादा कर भून देते हैं तो लालपन आ जाता है। अच्छा, चलिए एक प्लेट टेस्ट कराइए। लोग बोलते हैं कि रसा बहुत ज्यादा मिर्ची वाला होना चाहिए। हाँ हाँ। कान से, गर्दन से पसीना नहीं निकले तब तक मजा नहीं है उसका। ऐसा क्या? वो एक अजीब सा आपको यानी टेस्ट जो एनर्जी दे, एनर्जी देता है। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए सुबह सुबह इसको खाते हैं यहाँ पर। अच्छा, वो फोटोग्राफर लोग वीडियोग्राफी में भी। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेस्ट कैसा होता है। भैया दोनों को ऐसा कुछ दिखता है बोबो, इसको हम लोग भजिया बोलते हैं। बहुत ही क्रिस्पी है। वाह, बोल दोस्तों, धुआं भी निकल रहा है, गर्म है और बहुत क्रिस्पी है, बहुत बढ़िया, मज़ेदार। तो आज हमने बोबो खाया, बहुत ही ज़्यादा लजीज, टेस्टी था, तीखा बहुत ज़्यादा था। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और इस तरह की वीडियो और भी देखना पसंद करते हैं तो कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसी और भी खूबसूरत वीडियोस के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।